सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को यह बताया था कि हम लोग का जो अगला पाठ है हमारा, वो है मीराबाई। मीराबाई के दो पद आपके कोर्स में हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में ही परिचित करा दिया। मीरा का जीवन परिचय भी आपको बताया गया था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देर ना करते हुए चलते हैं अपने पद पर। मैं पद को पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिनके पास किताबें नहीं हैं वो अच्छी तरह से सुने, इसको रिवर्स करके आप रफ में नोट कर सकते हैं और आप लोग जो भी पढ़ाया जाएगा इसको कापियों में नोट करते रहिए। जो भी आपका होगा, स्कूल जैसे ही खुलेगा सबसे पहले आपकी कापियाँ ही चेक की जाएंगी और आपका एक टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें यह ज्ञात हो सके कि कितने लोगों ने किस तरह की पढ़ाई की है। और इस पढ़ाई में जो भी टेस्ट होने वाले टेस्ट में जो आयोजित किया जाएगा, उसमें जो भी 3 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे, इनको हिंदी विभाग की ओर से अर्थात मेरे द्वारा एक अपने मुझे क्या कहूँ एक अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस इतना जानिए। तो चलते हैं। मीरा कहती हैं, मेरे को गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। जैसा कि मैंने आपको जीवन परिचय देते हुए बताया था कि मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त थी, घर बार छोड़ करके चली गई कृष्ण की भक्ति में। तो वो कहते हैं, मेरे को गिरिधर गोपाल। गिरिधर क्यों कहते हैं आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जैसे छोटे से किसी पौधे को कोई उठाकर ऐसे ऊपर रख ले हाथ पर, ऐसे उन्होंने उस विराट काय गोवर्धन पहाड़ को भी उठा लिया और 7 दिनों तक अपने हाथ पर उठाए रखा। इसीलिए उनको गिरिधर कहा जाता है। गिरि माने पहाड़, धर माने धारण करने वाला, जो पहाड़ को धारण करे वही गिरिधर है। तो कृष्ण गिरिधर है। और गोपाल, गो माने गाय और पाल माने पालन करने वाला, जो गायों का पालन करता, जो गाय पालता है वही गोपाल। कृष्ण गाय चराते थे, आप देखते ही हैं, जानते हैं, तमाम चित्रों में, कहानियों में या टेलीविजन वगैरह पर देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। तो मीरा कहती वही गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान जो हैं वही मेरे अपने, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई भी मेरा अपना नहीं। सारे लोग तो आपने पढ़ा पिछले अंक में कि इनके जो ससुर थे महाराणा संग्राम सिंह ने इनको जहर दे दिया था पीने के लिए, मर गई होती लेकिन कृष्ण की कृपा से बच गई। सांप भेज दिया तो फूल बन गया, मतलब इनके मारने के सारे प्रयास इनको जो किए गए वो असफल रहे। तो इसीलिए वो कहते हैं मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो ही गिरिधर गोपाल है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर, जाके मतलब जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर के पंख लगाए रहते हैं। तो कहते हैं जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति है। क्योंकि असली पति जो भौतिक पति थे राजा भोजराज वो मर चुके। तो कहते हैं मेरा कोई नहीं जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, जो पहाड़ के हाथ में जिन्होंने उठा लिया था, जो गायों का पालन करते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे पति हैं। कहते हैं छाण रही कुल की कहानी, लोग लाज कोई नहीं। एक छोटा सा शब्द कहा करी है कोई। कहते छाड़ रही कुल की कहानी, कहानी माने मर्यादा, ठीक है, कहानी माने क्या है, सीमाएं, मर्यादा। कुल की कहानी मतलब घर की, कुल माने परिवार, वंश, अपना घर। कहते मैंने अपने घर की सारी मर्यादाएं छोड़ दी। घर की मर्यादा क्या थी? घर के अंदर रहो, जोर से बोलो नहीं, साधुओं के बीच में ना जाओ, कृष्ण का भजन ना करो, गाओ बजाओ नहीं। मीरा कहती है मैं तंग आ गई थी, इसलिए मैंने घर की सारी मर्यादाएं छोड़ दी, घर छोड़ के चली आई हूँ। कहा करी है कोई, कहा माने क्या, अब कोई भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैंने तो घर ही छोड़ दिया। अभी आप फोन बंद कर दोगे तो क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसे मीरा कहती है कहा करी है कोई, अब कोई मेरा क्या करेगा, मैंने तो घर की मर्यादाएं ही तोड़ दी है, निकल के आ गई हूँ। फिर कहती है संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज हुई,
संतन माने साधु, संत जो ईश्वर की प्राप्ति का सत्य का मार्ग दिखाते हैं वही संतन माने क्या है, संत साधु जो ज्ञानी होते हैं उनके बारे में। तो संतन ढिंग, ढिंग माने होता पास, ढिंग शब्द मतलब पास, जैसे हम कहते हैं ना उसके पास जाओ तो ब्रज भाषा में उसके ढिंग जाओ, ढिंग माने पास में। अच्छा मैंने संत जनों के ज्ञानियों के पास में बैठना शुरू कर दिया, संतन ढिंग बैठ बैठ संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज कोई, मैंने लोक लज्जा का त्याग कर दिया, मुझे अब कोई शर्म नहीं है, लाज शर्म नहीं है, मैं तो सबके बीच बैठ के कृष्ण कृष्ण गाती। लाज शर्म का मतलब जैसे लज्जा शर्म की बात जो पुराने प्रथा प्रथा के समय में थी कि महिलाएं घर में ही रहें, उन्हें घूंघट निकाल के रहें, दिन भर बहुत बड़े बड़े भारी भारी वस्त्र पहने रहें, ऐसा नहीं, पहने रहें अवश्य रहें लेकिन उनको भी समाज में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाने का दायित्व मिलना चाहिए, घर के बाहर उनका भी क्षेत्र है, उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए जैसा कि आज हो रहा है और आप जान सकते हैं महिलाएं कहीं आगे निकल रही हैं समाज में। तो कहते हैं मैंने वही किया कि संतों के बीच में बैठ कर लोकलाज खो दिया था, जब तक तो जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता वो बच्चों को घर में लड़कियों को रख लिए, वो अनपढ़ रहे थे, लेकिन जब कोई एक निकल करके पढ़ती है तो सौ को प्रेरित करती है, तुम भी पढ़ो, जब वो सौ पढ़ती है तो हजार पढ़ती, हजार पढ़ती है, लाखों लाखों से देश पढ़ता है, विश्व पढ़ता है, और तब सारी मर्यादाएं सारी लोक लज्जाएं धरी रह जाती हैं और सारी नारियों को एक पुरुषों के समान का सम्मान मिलने लगता है। तो मीरा क्या कहती है कि मैंने सारी लोक मर्यादा छोड़ दी, लोग वही कहते थे कि अरे तुम रानी हो तुम कैसे साधुओं के बीच में जाओगी, वो भिखारी हैं, वो गीत गाते बजाते मंडले में बैठे तुम भी वहीं जाओगी, कहते इसलिए मैंने लोक लज्जा ही छोड़ दी, मैं रानी ही नहीं रही तो अब बैठूंगी क्या करें। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतों के बीच में बैठ बैठ करके मैंने सारी लोक लज्जा का त्याग कर दिया। अब कहती आसुमन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, बेली माने क्या होता पौधा, बेल ऐसा पौधा जिसमें तना नहीं होता, तना होता है लेकिन बहुत कमजोर, जैसे आप देखिए कुछ फूलों के पौधे, कुछ सब्जियों के पौधे जैसे कद्दू का हुआ, लौकी का हुआ, तुरई वगैरह के पौधे, ऐसे रेंग का अंगूर की बेल रेंग करके चलती है ना पौधे, यही है बेल। तो कहते मैंने अब एक पौधे को कैसे सींचते हैं, ठीक है आप देखिए, अगर मान लीजिए फूल का पौधा है, ठीक है कोई भी पौधा, अब पौधा इसको पानी देंगे बड़ा होगा, इस पर क्या होगा फल लगेगा, ठीक है पौधे पर फल लगेगा। अब मीरा ने क्या किया है, मीरा ने एक पौधा लगाया है प्रेम का, मीरा का पौधा क्या है प्रेम, पानी क्या होगा उनका आंसू, अपने आंसुओं से सींचना, ठीक है और जो फल होगा वो क्या होगा आनंद रूपी फल, सुख खुशी आनंद रूपी फल, ये मीरा का पौधा है। हम क्या करते हैं एक पेड़ एक बेल का पौधा है कोई भी एक पौधा छोटा सा रोपित करते हैं, उसमें रोज पानी डालते हैं, खाद वगैरह भी डालते हैं, वो बड़ा होता है उस पर फल लगते हैं जो हमारे लिए होते हैं। मीरा कहती है आंसुओं जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, कहते मैंने अपने आंसुओं के पानी से सींच करके प्रेम का पौधा लगाया है, और प्रेम किसके लिए कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, कहते हैं मैंने प्रेम का पौधा लगाया है आंसुओं के पानी से सींच कर, और जब पौधा बड़ा होगा तो उस पर फल आएगा, आम का है तो आम का फल, आंवला है आंवले का फल, केला है केले का फल, प्रेम का पौधा तो आनंद का फल, आनंद खुशी हर्ष। कहते हैं अब तो बेली फैल गई, बेली फैल गई मतलब जैसे वही सब्जी का पौधा लगाए वो फैल करके दूर तक हो जाता है, तो मीरा कहते हैं मेरा वो प्रेम रूपी जो पौधा था तो बड़ा हो गया, अर्थात जब घर में थी तो कृष्ण के प्रति प्रेम का पौधा लगाया था, मन में प्रेम था और घर वाले आने नहीं देते थे इसलिए रोती थी, तो उस प्रेम के पौधे को कौन सा पानी मिला आंसुओं का। अब जब बाहर आ गई तो भक्ति में तल्लीन होकर रोने लगी, जब भक्त जो होता है भगवान का वो जितने अधिक भक्ति में गहराई में जाता तो उसके आंसू निकल पड़ते,
भावुक हो जाता है। तो उन्होंने कहा वही उन्होंने भी किया, मीरा ने भी आंसुओं के जल से उस प्रेम के पौधे को सींच दिया। जब ऐसा हुआ तो वो प्रेम रूपी पौधा, प्रेम की बेल जो थी वो क्या हुई, फैल कर बहुत हो। अब उसमें कहते अब तो बेल ही फैल गई, अब तो प्रेम का पौधा बड़ा हो गया, यानी अब मेरे मन में कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम हो गया, पहले से भी बहुत ज्यादा। तो जब प्रेम रूपी पौधा बढ़ा तब आनंद फल हुई, आनंद रूपी फल की अब मुझे प्राप्ति होगी, तब मुझे अब क्या है आनंद रूपी फल मिलेगा। मैंने बहुत दिनों से यत्न किया, ये छोटा सा पौधा लगाएंगे, वर्षों तक सेवन करेंगे, तब फल देगा, तब आपको आनंद आएगा। तो प्रेम का पौधा लगाया, कई साल भक्ति की है, बहुत मेहनत की है, भक्ति में सब कुछ सौंप दिया, घर बार छोड़ दिया, तब आज मुझे भक्ति का यह पौधा, जब प्रेम का पौधा बड़ा हुआ तो भक्ति रूपी आनंद का फल मिल रहा है। ठीक है, फिर कहती है दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलुई और दधि मथि घृत काढ़ी को छाण गई छुई। अब देखिए घरों में दूध गर्म किया जाता, दही बिलोने के लिए दही जमाना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं दही बिलोया जाना, जमाने को बिलोना कहते हैं। तो कहते हैं जैसे दही को जमाने के लिए क्या करते हैं, दूध को खूब अच्छे से गर्म करते हैं, कि अगर मान लीजिए दूध का जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म होने के लिए रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, चाहे वो 2-4 चम्मच ही, उसमें क्या करते हैं कि इसीलिए दिन भर उस दूध को गर्म किया जाता था पहले। आज के समय में तो गैस चूल्हे हैं, बिजली के चूल्हे चल रहे हैं, इसलिए पानी ना भी डाले तो 10 मिनट में वो अपना कई बार उबाल ले लेता है। पहले क्या था, उसको मिट्टी के बने हुए वैसे बर्तनों में, चूल्हों में बहुत से उपले, गोबर के उपले भर करके रख दिया जाए, पूरा दिन वो दूध झीकता था, गर्म होता। झीकने का मतलब ये भी बड़ी भाषा है, झीकना गर्म होता था। ठीक है, वो गर्म हो और उसके बाद फिर वो बहुत लाल हो जाता था बिल्कुल, तब उसमें थोड़ी सी छाछ रात के समय में डाल करके माताएं रख देती थी घर में, सुबह वही दूध जम करके बहुत अच्छा दही बनता था। आज के आज तो थोड़ा सा केमिकल डाल के बना दे रहे हैं। तो हुआ क्या कि कहते हैं दूध को मथनिया था, वही मथने के लिए दूध को बर्तन में रखकर बड़े प्रेम से बिलुई, और जब सुबह दही तैयार होता था तब क्या करती थी दादी घर में होती थी या माता लोग, मम्मी लोग क्या करती, उसको मथानी लेकर के ऐसे हाथ से मथती थी। जो अगर बहुत ज्यादा दही होता था बड़े पात्रों में, तो आप जैसे कि टेलीविजन वगैरह में देखते हैं रस्सियों से बांध कर एक बड़ी सी मथानी इस तरह हाथ से घुमाती थी और मथते मथते, तब उसमें क्या होता, जब वो दही पूरी तरह फट जाए बिल्कुल पानी जैसा हो जाए, तब उसमें मक्खन ऊपर तैरने लगता था, नीचे पानी, मक्खन को निकालकर साफ शुद्ध जगह पर बहुत अच्छे से संभाल कर रख लेती थी, छाछ को छोड़ देती थी उसी पात्र में ही। तो मीरा क्या करती है इस बात के लिए, कहती है कि मैंने श्री कृष्ण रूपी दूध को, ठीक है, श्री कृष्ण रूपी दूध को बड़े प्रेम से मथा है। अब श्री कृष्ण रूपी दूध, कृष्ण को दूध क्यों कहें, कृष्ण की भक्ति जो है वो दूध है, मन लगाया कृष्ण में तो मन का मंथन किया, विचार किया कि क्या मैं सही हूं कृष्ण के प्रति, मन लगा करके अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप सोचो क्या मैं सही हूं जो पढ़ रहा हूं, आपका चिंतन क्या है, तब आपको पता चलेगा कि किस क्षेत्र में आप सही हैं, कहां आप गलत हो रहे हैं। अगर आप भटक रहा है आपका मन तो एकाग्र हो जाएगा। तो उसको कहती है मैंने कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को बड़े प्रेम से बिलोया, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, वही कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को बड़े प्रेम से जमाया है, और जब वो भक्ति रूपी दूध जम गया तब दधि मथि घृत काढ़ी लियो, वो भक्ति रूपी दूध जमाया तो दही बन गया, और उसको मथ करके उसमें से जो सुख, जो आनंद रूपी घी था, मक्खन निकाला, वही घी बनता है, घृत शब्द लिखा, घृत माने घी। कहते मैंने उस भक्ति के दूध को जब दही बन गया तो उसे मथ डाला, बहुत विचार किया कि इसमें से क्या ग्रहण करूं, और तब मैंने मक्खन रूपी जो प्रेम था कृष्ण का वह निकाल लिया है, बाकी सब छोड़ दिया, कृष्ण की प्रेम को मैंने प्राप्त कर लिया, बाकी सारी दुनिया का मैंने त्याग कर दिया, कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को अपने मन रूपी मथानी के पात्र में बड़े प्रेम से जमाया था, और जब वो दूध जमकर दही बना तो उसने केवल प्रेम रूपी मक्खन, प्रेम रूपी घी को निकाल लिया, बाकी की छाछ जो थी मट्ठा उसको छोड़ दिया, सारे दुर्गुणों को मैंने त्याग दिया है। कहते हैं भगत देख राजी,
मेरा कहती है जब मैं भक्तों को देखती हूँ और कृष्ण की भक्ति मुझे मिलती है तो राजी राजी होने वाला खुश होना, मुझे राजी होने का मतलब मान जाना या प्रसन्न होना। यहाँ राजी का मतलब क्या है? प्रसन्न। कहते हैं भगत देख राजी हुई, जब मैं कृष्ण की भक्ति देखती हूँ करती हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बहुत खुश होती हूँ। और जगत देख रोई, जैसा कि कबीर ने कहा था कि संतों देखत जग गौराना, ऐसे कहते हैं जब मैं जगत देखती हूँ, संसार को, जगत को, जो अज्ञान में डूबा है, जो भक्ति नहीं करता, जो भगवान से प्रेम नहीं करता, तो मैं रोती रोई। कहती हैं भगत देख राजी भाई, भक्ति देख कर मैं प्रसन्न होती हूँ, मुझे आनंद आता है भगवान के भक्तों के बीच में बैठने का। और जगत देख रोई और संसार को देख करके मुझे रोना आता है, संसार कितना अज्ञानी है, भगवान की भक्ति नहीं करता। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीरा कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका, जो सेवा करे वो स्त्री सेविका, वो सेवा करे तो सेवक। कहते हैं मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार कर दीजिए, मुझे इस संसार से मुक्त कर दीजिए, मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, ज्ञान हो जाएगा माया मोह से मैं मच जाऊँ बच जाऊंगी, मुझे अपनी निर्मल भक्ति दीजिए, हे भगवान मुझे तार दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा भला कर दीजिए, जिस प्रकार मेरा सब प्रकार से कल्याण है वही कार्य कीजिए। दासी मेरा भाल के दर तारो अब मोही, इसकी व्याख्या एक बार मैं कैसे पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो मेरा भाई कहती हैं कि केवल गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। मैंने अपने कुल की, अपने परिवार की सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है, अब कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संतों के बीच में बैठ करके मैंने सारी लोक लज्जा का, आज श्रम का त्याग कर दिया है, और मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम रूपी पौधा लगाया था, जो अब बड़ा हो गया है, और उस प्रेम रूपी पौधे पर अब आनंद रूपी फल लगेगा, और मुझे उस आनंद से बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं मैंने श्री कृष्ण की भक्ति रूपी दूध को बड़े प्रेम से जमाया था, और जब वह भक्ति रूपी दूध का दही बन गया तो मैंने उसको मथ करके उसमें से प्रेम रूपी घी को निकाल लिया है, बाकी की छाछ रूपी दुर्गुणों को, अवगुणों को त्याग दिया है। मीरा कहती हैं कि जब मैं भगवान की भक्ति करती हूँ या किसी भक्त को देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे बड़ा सुख मिलता है, और जब मैं इस अज्ञानी संसार को देखती हूँ जो भगवान की भक्ति नहीं करता तो मैं रोने लगती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। हे गिरधर, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, मेरे सारे कष्ट दूर कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। इस तरह से यह पद आपका पूरा हो जाएगा, अंतिम दिन में इसके जो प्रश्न है इससे संबंधित उसको करवाया जाएगा। एक पद आपका और बचा है, पग गुरु बांध मीरा नाची, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना पढ़िए, जो भी समस्या होगी मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।